दोस्तों जय श्री महाकाल। सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड और फोर्थ गियर पे कार चलाएंगे। आज थर्ड और फोर्थ आप लोगों को दिखाएंगे कि थर्ड और फोर्थ पे कार कितने पे चलती है। तो दोस्तों क्लिच दबाया है, ब्रेक दबाई है, उसके बाद कार स्टार्ट करनी है और उसके बाद फर्स्ट गियर डालना है। फर्स्ट गियर डालने के बाद थोड़ा मूव करते हैं, सेकंड गियर डालते हैं, कार 13 पे जाने के बाद उसके बाद थर्ड गियर डालते हैं। देखो दोस्तों थर्ड गियर पे कार चल रही है 40 की स्पीड में, वो भी सही एकदम बिल्कुल मज़े में चल रही है कार, को कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों आप लोगों का प्यार बना रहिएगा, हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। फोर्थ गियर मेरा पड़ चुका है, फोर्थ गियर मेरा पड़ा है तो मेरी स्पीड हो गई है 50 की। 50 की स्पीड में मैंने फोर्थ गियर डाल दिया है और गाड़ी देखो कितनी एकदम मक्खन चल रही है। देखो अब कुछ नहीं करना है, देखो पहले आराम से एक हाथ से आप लोग ड्राइव कर सकते हैं और देखिएगा नीचे मेरे पैर, सिर्फ मैंने एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है। अब कहीं भी ब्रेक अगर लेनी तो हल्की सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों कितनी आराम से कार चल रही है 50 की स्पीड में और एवरेज भी बहुत अच्छा निकालती है कार। फोर्थ गियर पे 50 पे कार चलेगी तो एवरेज अच्छा निकालेगी कार, जितना आपकी कार दे सकती है उतना निकालेगी। चलिए दोस्तों फिफ्थ गियर भी डाल लेते हैं, देखते हैं फिफ्थ गियर पे कितनी स्पीड पकड़ती है कार। देखिए दोस्तों मेरा फिफ्थ गियर पड़ा हुआ है और मैंने एक्सीलेटर पे रखा नहीं है, 40 की स्पीड पे कार कंटिन्यू चल रही है, 40 की स्पीड से कार मेरी कंटिन्यू चल रही है। अब थोड़ा एक्सीलेटर पे रखते हैं, इंजन पे नहीं तो ज़्यादा लोड पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों फिफ्थ गियर पे कार चल रही है, कुछ बच्चे आ गए हैं, हल्की सी ब्रेक लेनी है क्योंकि बच्चों का भरोसा नहीं होता है, वो कभी भी आ सकते हैं, खेल खेल में कभी भी रोड पे आ सकते हैं वो। देखिएगा दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देखिएगा बिल्कुल आराम से कार चल रही है, इस पर कुछ नहीं करना है। देखिएगा बिल्कुल आराम से कार चल रही है, दोस्तों सिंगल रोड पे कार आज हम ले चल रहे हैं। मैंने तीसरा गियर डायरेक्ट डाल दिया, फर्स्ट से तीसरा गियर मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, स्पीड बना के 20 की स्पीड हो गई थी, मैंने तीसरा गियर डाल दिया है। और यहां से हम मोड़ लेते हैं सेकंड गियर में, जितने मुड़ जाए बस उतना बहुत है। कार चलाते समय कभी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, कोई कुछ भी कहे जो तुम्हें लगे वही करो, जो आपको अच्छा लगे वही करें। क्योंकि देखना आपको है,
इसमें क्या सीखने को है, सीखने को क्या है इसमें, देखिएगा। थर्ड गियर पे कार चल रही है, हम फोर्थ गियर लगा दे रहे हैं, देखिएगा। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी में सेवन्थ गियर हैं, शायद अब आने लगे वो बात अलग है, लेकिन अभी तो इस वक्त तो फिफ्थ गियर ही आ रहे हैं। तो दोस्तों फिफ्थ गियर पे मेरी कार चलने लगी, और कोई भी गियर हो वो आप लोग डाल दीजिएगा इसमें। देखिएगा दोस्तों कितने आराम से कार चले फोर्थ गियर पे, फिफ्थ गियर पे। लोग पहली बार डर जाते हैं, कहते हैं मैं फिफ्थ गियर पे कार कैसे चलाऊंगा, मैं फोर्थ गियर पे कार कैसे चलाऊंगा। फिर लोग कहते हैं मुझे रिवर्स करना भी सीखना। कुछ नहीं भाई, धीरे धीरे आराम चलाते रहो। हम भी पहले यही सोचते थे, अरे अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, फिफ्थ गियर पे कार चलानी है, फोर्थ गियर पे कार चलानी है, फिर उसके बाद रिवर्स भी करना है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। सब कुछ आ गया, ऊपर महाकाल बाबा का आशीर्वाद था, कुछ उन्होंने भी। देखिएगा दोस्तों फिफ्थ गियर पे कार चल रही है, कोई अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो बताइएगा कमेंट में, कोई गलत चल रही हो कार, या कुछ हमसे कुछ हो नहीं पा रहा हो, या स्पीड कम हो, सिक्सटी की स्पीड चल रही है मेरी कार, फिफ्थ गियर पड़ा हुआ है। देखिएगा दोस्तों आराम से, देखिएगा अब ऐसे ही आप कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली बम्बई आगरा, कहीं भी आप जाओ चाहे दिल्ली बम्बई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा। हर घर में हर परिवार में कोई ना कोई कार जरूर चला लेता हो, देखिएगा दोस्तों कितने आराम से कार, देखिएगा कोई दिक्कत। जय श्री महाकाल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।